Welcome back, friends. This is our Jatropha plant, or in Gujarat is known as Ratan Jyota. After repotting, it's grow well, and now it's time to pinch some branches. I want to train as a bonsai, like or with a clip and grow method, I think. So just pinch without wiring. So I pinch these branches, so it's grow another one. And there is several kind of varieties available here. It's grow like a tree, and some like little sub bush, I think. And I pinch this one, and I don't want to cut this branch because it's needed little balance, because it's a lower branch. So ये branch नीचे है, तो उसको शायद कम nutrition मिल पाए अगर ये इन दोनों की compare में थोड़ी ज़्यादा ऊँची करना चाहता हूँ मैं उसको, तो इसको अभी थोड़े दिन यहाँ इतनी हाइट होगी, बाद में मैं उसको पिंच करूँगा। बाद में ये एक अपराइट स्टाइल की तरह ये ग्रो करेगा, सीधी ब्रांच रहेगी उसकी, कोई वायरिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये वुडी प्लांट नहीं है दोस्तों। तो रिपोर्टिंग के बाद बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की हुई है कि जब मैं ये स्वेलिंग करता है तब मैं रिपोर्टिंग करूँगा। आई रिपोर्ट दिस प्लांट आफ्टर स्वेलिंग, बट व्हेन आई अनकवर द प्लांट या मैं उसको निकालता हूँ तो उसमें नए रूट ही दिखते हैं, पुराने रूट सब डाइबैक हो जाते हैं। तो जब भी उसका रिपोर्टिंग करता हूँ कुछ नए रूट ही दिखाई देते हैं, एकदम फ्रेश, आप देख सकते हो वीडियो क्लिप में। मैंने रिपोर्टिंग के वक्त की क्लिप बना के डाली है इस वीडियो के साथ। तो ये कटिंग से ग्रो हो जाने वाला प्लांट है, बहुत ही इजी तरीके से ग्रो होता है, मगर उसके रूट एक साल में चले जाती है और दूसरी आती है। अब वेल ड्रेन सोइल दी है तो इस बार क्या होता देखते हैं, शायद बच पाए, क्योंकि अब तक ये छोटे से पॉट में ग्रो हो रहा था, टिल इट्स ग्रो इन द स्मॉल पॉट, but now I give this bigger one, so I think it's grow well. So इस तरह के बहुत सारे वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।